नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, स्टडी फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मॉक नंबर 19, और आपको पता है कि 1 से लेकर 18 तक का हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, देन इसके बाद 19 नंबर का भी देख पाएंगे। तो अगर 1 से लेकर 18 तक आपने देख लिए हैं तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी गई है और आपने बहुत सारे क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको अप्रीतम शब्द के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो पहला है प्रीतम, दूसरा है बेजोड़, फिर है प्रथम और प्रीतम। तो देखिए, प्रतिमा का जो मतलब है ऑप्शन नंबर ए, उसका तो मतलब होता है मूर्ति, आपको पता होगा, ठीक है। और जो प्रीतम है उसका मतलब क्या होता है, पति या स्वामी, ठीक है। तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि अप्रीतम का मतलब होता है बेजोड़। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। कहा गया है इसमें कि आपके सामने एक सेंटेंस हो, इस सेंटेंस में भरना है कि फिलअप क्या होगा। तो इस जगह और इस जगह भरना है आपको धन के डैश में, आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। पहला हो जाएगा लालच या जयचंद, दूसरा हो जाएगा भ्रष्टाचार या हरीशचंद, तीसरा हो जाएगा राष्ट्र या वीरता, और चौथा वाला है बंधु या मर्द। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लालच या जयचंद, ठीक है ना। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड ये कहता है कि आपको मोह, ये मोह लिखा हुआ है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण आपको बताना है। पहला सामनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या गणवाचक विशेषण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ। कह रहे हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पर, तब तक चेतक था उस पार। तो इस पंक्ति में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। पहला आपके सामने ऑप्शन है अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच ये कहता है कि इसमें मूर्धनी का विपरीत बताना है आपको। मूर्धनी का विपरीत क्या होगा, पहला है तत्कालिक, दूसरा है विषाद, तीसरा है स्थायी और चौथा है जीवान। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपसे पूछा गया है, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, हाँ ठीक है, राइट आंसर अगर आप इसका देखेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है तत्कालिक का विलोम हो जाएगा पूर्णकालिक, और विषाद का हर्ष होता है, स्थायी का अस्थायी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। पहला इसके जो ऑप्शन है उसमें आपका है अर्थालंकार, दूसरे वाले में है प्रश्न अलंकार, फिर है आपका विप्सा अलंकार, और फिर चौथा वाला है आपका शब्द अलंकार। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ। इसमें पूछा गया कि बगीचे की सुंदरता अनूठा है, इसमें सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें लिखा है बगीचे की सुंदरता अनूठ है, बी वाले में है बगीचे की सुंदरता अनूठी है, सी वाले में है बगीचे की सुंदरता अनूठी है, और जो डी वाला है इसमें लिखा हुआ है बगीची की सुंदरता अनूठा है। हालांकि ये थोड़ा सा कट गया है, इसको क्रॉप हो गया है, तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फटाफट देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हर आपको आपके एग्ज़ाम में जो जूनियर असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हिंदी का ही है। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करें और इसको लगातार देखते रहें, क्योंकि हम लोग कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ पर डे। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है आपका द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, और चौथा है प्रेम युग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, भारतेंदु युग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी हैं।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के 9 से 10 की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन आपको बताना है कि कौन सा होगा। पहला है प्रति, दूसरा है प्रतियां, तीसरा है प्रतिवर्ग और चौथा है प्रतिजन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजन, सॉरी प्रतियां, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियां, इसको ध्यान दे दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आएंगे, आपको वहीं पे शुद्ध वाक्य देखना है और शुद्ध वाक्य में आपको बताना है कौन सा शुद्ध होगा। पहला, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया और आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा कमेंट करिएगा, 11वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। जल्दी दोस्तों हम लोग लाइव आने वाले हैं, थोड़ा सा लाइव की में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं, आपसे कहा गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, उसमें उचित विकल्प बताना है। पहला है बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना या बिल्ली को क्रोधित करना। तो सही हो जाएगा अपने को संकट में डालना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलेंगे 13 की तरफ, 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जमीन है आसमान एक करना मुहावरे का क्या मतलब है। पूरी तरीके से नष्ट करना, घोर प्रत्यन करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का काम करना। तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छा मुहावरा है, तो इसका सही मतलब क्या हो जाएगा बी, इसका मतलब हो जाएगा घोर प्रत्यय। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, आपसे पूछा गया है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जवाब कौन सा होता है। मानक भाषा होती है पश्चिम भाषा होती है, हिंदुस्तानी भाषा होती है या साहित्यिक भाषा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, डैश पीपर पात सारी से मन डोला, इस वक्त इस पंक्ति में मन क्या है आपको बताना है। वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म है या उपमेय है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, कह रहे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निमंत्रण दिया था। अब आप आपको इसमें त्रुटियां सुधारनी है। पहला है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, बी में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया था, सी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया था और डी में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया था। तो आपको बताना सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेले गया। तो इसमें आपको बताना है किस में त्रुटि है। पहले में यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, बी वाले में यद्यपि का बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, या यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ, कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस भाष्य में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना थी कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। पहला है तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, बी ऑप्शन है, को अपने जाल में फंसा लेता, सी ऑप्शन है का भेष बनाकर, ये है डी ऑप्शन। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने आई होप कर भी लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, 19 नंबर प्रश्न में आते हैं, कहा गया है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कमायनी के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, आपको पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, और वो किसकी है मैं आपको बता देता हूँ, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। और आपको पता जयशंकर प्रसाद की और भी बहुत सारी काव्य कृति हैं, जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कंकाल है, तितली है, बहुत सारी इनकी काव्य रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, अब देखिए 20 नंबर वाले जो प्रश्न है आपके सामने पैसेज है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं आपके लिए गद्यांश लाऊंगा या पद्यांश लेके आऊँगा। तो एक वाली वीडियो में मैं आपके लिए पद्यांश भी लाया था और इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए गद्यांश लेके आया हूँ। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है मेरे साथ में और इसका पूरा जवाब देना है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। चलिए हम लोग देखते हैं जो गद्यांश है हमारा, सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्ध दुर्बलताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञान का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसके मालों की बिक्री के लिए हो रहा है।
इसके द्वारा भरावात्मक दोहन बहुत ही धूर्तता के साथ होता है और एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ता विज्ञापन ही अनैतिकता की पराकाष्ठा है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देश का भविष्य तिमिर लोक में गुम हो जाए या सोची समझी साजिश है। इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नायाब तरीके विज्ञान की है। ठीक है, तो पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर का। इस पर आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश आपको बताना है कि कौन सा गद्यांश यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो पहले तो उपयुक्त गद्यांश पढ़ना है। पहला है निजी नीति अधिकारियों का इस्तेमाल पूंजीवाद का बढ़ावा, विज्ञापन के बढ़ते फैशन को बढ़ावा और उपभोक्ताओं को विज्ञापन के छल और फरेब से अवगत कराना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ताओं को विज्ञापन के छल और फरेब से अवगत कराना। 21 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है? पहला वाला ऑप्शन है उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने के लिए, भावात्मक छल करने के लिए, छत करने के लिए, तिकड़मों का सहारा लेने के लिए, या अत्यधिक विज्ञापन द्वारा उत्पादन की जानकारी पाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने के लिए। 22 नंबर पे आते हैं। कह रहे हैं इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पहला है सांस्कृतिक आस्मिकता और विज्ञानदाताओं की सोची समझी योजना, और दो ऑप्शन दूर थोड़ा सा हैं, ये है पूंजीवाद और विज्ञापन, और डी वाले में बाजारू संस्कृति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा। ए को आप देख सकते हैं ऊपर जाके, ये देखिए पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 23 की तरफ। कह रहे हैं 23 नंबर में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे डैश कहते हैं, क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। आप लोगों ने आई होप देख भी लिया होगा, तो इसका क्रिया विशेषण ए विल बी अ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, 23 से 24 की तरफ प्रश्न नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि सन 2006 में सार के लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2006 का करंट अफेयर का है, तो आप इसको सिर्फ दिमाग में रख सकते हैं, या नहीं भी रखना चाहते हो तो भी ना भी रख सकते हैं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है ना भी है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कह रहे हैं कि मखाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो मखाना का पहला ऑप्शन दिया गया है इन्होंने, तालम खाना, मिस रानी, सरगर्मी या गसल खाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मखाना का हो जाएगा, तालम खाना। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कह रहे हैं कि कूप मंडूक का मतलब क्या होता है? मुहावरा। तो कूप मंडूक का मतलब है कि कुएं में गिरना, घर में रहना, बहरा या असीमित समिति ज्ञान करना, या अत्यंत सीमित ज्ञान कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ये इसका मतलब बहुत ही छोटा ज्ञान होना, कहते हैं ना कूप मंडूप बने रहते हो, मतलब तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखना चाहते हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। बढ़ते हैं 27 की तरफ, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से इसमें भाग में गलती है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। पहला है हिस्सा बनकर गुजर गई है, बी ऑप्शन है जिंदगी मानसिक तनाव से, सी है, और आधुनिक परिवार का ये है आपका डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो रहा है आपका बी विल बी अ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे तो गुजर गई है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। कह रहे हैं कि बहुवचन बताना है आपको, तो किस चीज़ का बहुवचन बताना है ये भी थोड़ा सा देखिएगा, इसमें शायद प्रिंटेड नहीं है। तो देव का यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको क्या बताना है? बहुवचन बताना है। तो पहला है देवगढ़, देवव्रत, देवलोक, देवजन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कह रहे हैं कि सतर्कता शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? सतर्कता का समानार्थी पहला है सतर्कता का समानार्थी बताना आपको, सार्थकता, उचित, समझदारी या मुस्तैदी।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हो गया, ठीक है, आजीवन जेल हो गई, तो आपको इसमें फिल करना है कि क्या आएगा। तो पहला इसका राइट आंसर दिया गया है बारी, फिर बोला गया है पगड़ी, फिर हत्या या दृष्टि, तो सही हो जाएगा सी। आते हैं प्रश्न ये 31 पे, मतलब 31 नंबर पे। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे चिन्ह फिलअप किया जाएगा। पहला है अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, अर्धविराम आएगा, दोहरा उत्तरण आएगा या प्रश्न चिन्ह आएगा। तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की तरफ। कह रहे हैं कि हल्दी घाटी की रचनाकार कौन से हैं। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं चार। पहला है राणा प्रताप जी, दूसरा है हरिऔध, फिर है श्याम नारायण पांडे या है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्याम नारायण पांडे जी हैं। हल्दी घाटी एक काव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी आर राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा। दो है, पहला मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों से बनते हैं, शब्दों के डैश से बनते हैं। पहला है आपके सामने शक्ति मिश्रण, बी वाला है वचन जुड़ने, सी वाला है बोल संगीत, और डी वाले में है ध्वनि समूह। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 33 का, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी विल बी आर राइट आंसर। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 की तरफ। आपसे कहा गया है कि ये एक सेंटेंस है, इसमें दो जगह फिलअप करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। पहला है ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते हैं। पहला है अक्सर चर्चा, मिलकर प्रयोग, बी सी वाले में जुड़कर टिप्पणी, और डी वाले में एकत्रित पढ़ाई। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्सर चर्चा करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जगह। प्रश्न नंबर आएगा 35। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, आपको पता ही है कि इसको संज्ञा बोला जाता है। सर्वनाम क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, तो दूसरी लाइन में अगर एक राम नाम से एक स्टोरी बनानी हो तो राम स्कूल जाता है, और दूसरे में लिखा जाएगा वह रोज कार्य करता है। तो ये जो वह शब्द यूज किया गया है दोस्तों, ये क्या है आपका विशेष सर्वनाम है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है ना। पहला आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, विशेष। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। कह रहे हैं छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। पहला है गहरा, तृप्ति, उजड़ना, पीठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ए, विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा गहरा। क्योंकि आप देखेंगे कि उजड़ने का हो जाएगा बसना, ठीक है, तृप्ति का क्या हो जाएगा आपका तृषा, या पीठ का क्या हो जाएगा पेट। तो ये सब इसके विलोम हैं। 38 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, आपको बताना है कौन सा होगा इसका सही उत्तर। पहला है देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग को जा रही है। बी वाले में है जान पड़ता है नेत्र, देख बड़े बड़े। सी वाले में है आपका विरह है अथवा यह वरदान, और डी वाले में प्रीतम को समझ पा कामनी ने, जा सकी ना ठहर सकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, डी विल बी आर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 39 की तरफ। कह रहे हैं काट का उल्लू का सीधा करने का क्या मतलब होगा, काट का उल्लू सीधा करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों मूर्ख बनाना, यही काट का उल्लू सीधा करने का मतलब हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलेंगे 40 की तरफ। कह रहे हैं बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के जो पात्र थे वो कौन थे। आपने बचपन में चाचा चौधरी देखी होगी, बहुत देखी थी, मैगजीन्स आती थी इसकी, ठीक है, और इसको भी गर्मी की छुट्टियों में खूब पढ़ाया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत पई,
डी इसका राइट आंसर हो गया। अब मुझे बताइएगा 40 में आपने कितने करे, और ये भी बताइएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी फॉर एग्ज़ाम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।